हज़म व वर्क नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में टॉपिक है जेनेटिक कोड है क्या चीज़ जेनेटिक कोड बेसिकली एक कोड वर्ड होता है कोड वर्ड होता है किस चीज़ के लिए पाया जाता है हमारे साथ एक मैसेजर आरनी आती है और ये मैसेजर आरने कहां से आती है ये मैसेंजर आर जो है उसको डीएनए से बनाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से मैसेंजर आर बनाया जाता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेजर आर ए ट्रांसक्रिप्शन। अब इन्हीं मैसेंजर आरने पे कुछ से कोड वर्ड लगाए जाते हैं जस्ट लाइक लगाया गया ए यू जी जस्ट लाइक लगाया गया यू 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 जस्ट लाइक लगाया सी यू सी ए सी सी जी सी ए सी सी ए और यू जी ए ये डिफरेंट कोड वर्ड लगाए गए सो so, इस कोड वर्ड में होता क्या है कोड वर्ड में इनको ये बताया जाता है कि आपने जो प्रोटीन मालिक्यूल बनाना है प्रोटीन किस चीज से बने होते, है? होते हैं प्रोटीन बने होते हैं जनाब अमाइनो एसिड से अब कौन से अमाइनो एसिड से बने हैं उसका सीक्वेंस क्या है कितने अमाइनो एसिड होंगे इस प्रोटीन के अंदर ये सारा जो है वो इस पर डिसाइड किया जाएगा अब ए यू जी आ गया तो कि यहाँ पे इन्होंने मेथ्यून अमाइनो एसिड जो है वो रखनी है यू 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 आ गया तो तुमीन यहाँ पे इन्होंने फिनाइल एलानीन अमाइनो एसिड रखना है तो इन दोनों के दरमियान बांड बन जाएगा पिपटाइड बांड बन जाएगा एंड सो ऑन जेनेटिक so कोड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो सीक्रेट कोड वर्ड्स होते हैं डीएनए के वो मैसेंजर आर पे कॉपी किए जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन से फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे उस कोड के ऊपर अपने अपने अमाइनो एस को रख दिया जाता है हम यहां पे जेनेटिक कोड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और ये सबसे पहले मार्शल नायरनबर्ग मार्शल नायरनबर्ग और मेथाई, मेथाईनोरिच मेथाई ने ये जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 1961 में डिस्कवर किया था इन्होंने फर्स्ट कहा कि अगर इनकेस देखा जाए तो हमारे साथ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनसे जेनेटिक कोड बनते हैं वो हैं चार एक है एडिनिन गावानीन साइटोसिन और यूरा अब बात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि तयमीन का तो जिक्र नहीं है तो याद रखिए कोड जेनेटिक कोड एंटी कोड ये सारा किस्सा में, आर में होता है मैसेंजर आने ट्रांसफर आने वगैरह तो चूंकि आर में तो तयमीन नहीं होता इस वजह से यूरा होता है इस बेस पे और हमारे साथ जो प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से उसकी तादाद है मेजर जो है वो है ट्वेंटी जो प्रोटीन बनाती है अब यहां पे कंफ्यूजन ये हुई थी कि अमाइनसिड जो है उनको कौन सा न्यूक्लोटाइड कोड करेगा क्योंकि आपके साथ न्यूक्लोटाइड चार हैं तो पहले उन्होंने कहा कि हो सकता है ईच न्यूक्लियोटाइड ईच न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज ए जेनेटिक कोड सो टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड विल बी तो कितने होंगे हमारे साथ हो? न्यूक्लोटाइड चार्ज हैं सो ईच वन रोल अदा कर सो फोर टू द पावर वन सो मीन फोर मल्टीप्लाइड बाय वन कितने हो गया फोर सो आंसर क्या होगा फोर कौन कौन से होंगे एडिनिन गवानीन साइडोसिन यूरा सेल. ये बात इसलिए ठीक नहीं रही कि चार अमाइनो एसिड्स के लिए तो एक एक कोड आ जाएगा बाकी सिक्सटीन ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे तो फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगी तो उसका ये मतलब हुआ कि पांच अमाइनो एसिड्स के लिए जो है एक कोड काम कर रहा है मीन के यहां पांच अमाइनो एसिड्स के लिए एडिनिन काम कर रहा है इसके लिए गवानी, इसके लिए साइड इसके लिए यूरा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगर एडिनिन जेनेटिक कोड आया तो इस कोड पे कौन सामान्य से आएगा मिथ्युन आएगा ट्रिप्रोफेन आएगा यूरसेला आएगा कौन मायने से आया तो कॉन्ट्राडिक्शन थी तो फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी अगर देख लें सो टू न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज ए जेनेटिक कोड सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड सो अब हम कहते हैं कि फोर टू पावर ट्रू अगर देखा जाए सो फोर मल्टीप्लाइड फोर कितना हो जाएगा सिक्सटीन अभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि माइनस इड है कौन कौन से कोड हो सकते हैं एडिनिन 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 गवानिन एडिनिन और एडिनिन यूरोल फिर उसके बाद गवानिन 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 साइटोसिन गवानिन यूरोल और गवानिन एडिनिन फिर साइटोसिन साइडोसिनटोसिन साइटोसिन एडिनिन और साइटोसिन गिन और यूरोसिल यूरोसिल यूरोल साइटोसिन यूरोसिल गवानीन और यूरोल एडेनिन तो ये टोटल जो है सिक्सटीन जेनेटिक कोड फिर भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारे साथ तीन न्यूक्लियोटाइड से एक जेनेटिक कोड बना हो थ्री न्यूक्लियोटाइड्स एक्ट एज ए जेनेटिक कोड जिसको ट्रैपलेट्स कहते हैं तो तब क्या पॉसिबिलिटी है तो अब यहां पर हम क्या करेंगे फोर टू दावर थ्री ले, ले लेते हैं फोर मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई फोर इससे आ जाएगा सिक्सटी फोर तो अब तो यहां पर जेनेटिक कोड जो है वो काफी ज्यादा हो गया है. तो ये अब उन्होंने कहा कि यहां पर पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी किस तरह है यहां पर वो इसी तरह पॉसिबिलिटी है कि 64 जेनेटिक कोड में से एक कोड जो है उसको हम स्टार्ट कोडांस कहते हैं और वो है ए जो भी अमाइना होगा मैसेंजर आने होगा इसके स्टार्ट में ये लाजमन होगा दूसरा तीन जो है उसको हम कहेंगे स्टॉप कोडॉन्स या उसको हम कहते हैं नॉन सेंस कोडॉन जिसमें है यू जी ए, यू ए, ए और यू ए जी ये तीन जो है ये हमारे पास नॉन सेंस कोडॉन इसलिए कहे गए कि किसी अमाइनोसेड को कोडी नहीं कर रहे इस वजह से कितने रह गए सिक्सटी फॉर ट्वेंटी अमाइनो एसिड के लिए जेनेटिक कोड वो अमाइनो एसिड्स के लिए अब इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हो जो कि एक से ज्यादा जेनेटिव कोड वाले हों जस्ट एक बात लोग जो है ना उसके कई नाम होते हैं घर वाले उसको एक नाम से पुकारते हैं दोस्त एक दूसरे नाम से पुकारते हैं आ, माँ बाप इसको और नाम से पुकारते हैं बहन भाई किसी और नाम से पुकारते हैं टीचर किसी और नाम से पुकारते हैं सो तो एक ही बंदा है सुमे इसके एक एसिड्स के डिफरेंट जेनेटिक कोड हो सकते ऐसी अगर हम देख लें तो फर्स्ट नंबर दो अमाइनो एसिड्स ईच हैविंग सिंगल जेनेटिक कोड तो सिंगल जेनेटिक कोड के लिए फॉर्मूला हमारे पास है एम टी के मिथ्युन और ट्रेप्टोफेन्स ये दो ऐसे एसिड हैं जिसका सिर्फ एक एक जेनेटिक कोड है अगर वो है तो वो अमाइन एसिड आएगी अदरवाइज वो वो एसिड नहीं आएगी सेकेंड दोज अमाइनो एसिड ईच हैविंग थ्री जेनेटिक कोड बस ऐसे अमाइनो एसिड भी हो सकते उसके तीन जेनेटिक कोड जिस लाइक हमारे पास फॉर्मूला है आई मीन आइसोल्यूसिन अब आइसोल्यूसिन वाहद अमाइनो एसिड है जिसकी तीन जेनेटिक कोड है थर्ड दोज अमाइनो एसिड Each having six genetic codes. So इसका formula है लास्ट mean leucine, arginine और serine। ये तीन ऐसे माइनोसिट्स हैं जो हर एक के छः छ जे जेनेटिक कोड है छः जेनेटिक कोड में से कोई भी कोड आ गया तो इसी अमायनोसिट्स को कोड करेगा फोर्थ दूसरा माइनो एसिड्स ईच हैविंग फोर जेनेटिक कोड्स अब ऐसे एसिड्स भी जिसके चार जेनेटिक कोड्स है गवर्नमेंट पी ए हम इसको याद करने के लिए ट्रिक यूज करते हैं मीन ग्लाइसिन हुआ प्रोलीन हुआ थ्रियून हुआ वेलिन हुआ और एलानीन हुआ अब इसके जो है इसके चार चार जो है वो जेनेटिक कोड्स पाए जाते हैं और नेक्स्ट हमारे पास मीन दो सो एसिड्स ईच हैविंग टू जेनेटिक कोड्स अब ऐसे एसिड्स भी है कि जिसके सिर्फ दो जेनेटिक कोड्स हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तलहा इससे ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं मीन्स जी स्टैंड फॉर ग्लूटामेट ग्लूटामेट एंड जी स्टैंड फॉर ग्लूटामीन्स ग्लूटामीन मीन अब पी स्टैंड फॉर फिनाइल एलिट्स सी स्टैंड फॉर सिस्टीन टी स्टैंड फॉर टायरोसिन्स tyrosine and uh, a stain for arginines aspartic acids aspartate aspartate and a stain for asparagines and uh, l-stain for lysines स्टेन फॉर हिस्टर्निंग सो ये हमारे पास डिफरेंट अमान एसेस हो गया है जिसके दो दो जेनेटिक कोड है अगर हम इसको काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन 16, 17, एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो ट्वेंटी अमाइनो एसड्स हम पूरे हो गए सो जेनेटिक कोड क्या था जेनेटिक कोड से आया ईच अमाइनो दैट्स कार्ड इस जेनेटिक कोड दट्स आइडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाई मार्शल नारायण बर्ग इन सिक्सटी वन Uh, if single nucleotide act to the uh, genetic code, then there will be four genetic code. F2, there will be a uh, 16 genetic code. F3 nucleotide, then will be 64 genetic code. What is start codon? EUG. Three are stop codon UAA, UGN, uh, and UAG, uh, UGA, and UAA. While 60 genetic code for the diff uh, different 20 amino acids. So there are two amino acids that is being been encoded by the

ليش بصرف الله حافظ